अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असद बरोई और असद बरोई व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूवर्स, मेरे हाथ में मौजूद है एक ये सिरप, इसका स्टिकर हट चुका है, मैंने नहीं हटाया, ये मैं यूज़ करता रहता हूं तो ये हट चुका है। और इसका मैं आपको बताता हूं, इसका नाम भी बताता हूं। सबसे पहले यहाँ है ये सिम्बा है, सिम्बा के बाद ये बेला है, बेला के बाद सूजी, यहाँ ये गैलेक्सी सो रही है, ठीक है। इसके बाद पीछे एक जर्मन शेपर्ड की फीमेल है, और उसके साथ साथ ओरियो, डोरा, ये तो तमाम व्यूवर्स ने देखे होंगे, अभी ब्रीड से फारिग हुई हैं। और साथ में ये शिट्ज़ू का मेल है जिससे मैं स्टड लेता हूँ और इनसे ब्रीड लेता हूँ। ये कोको, पोमेरेनियन का मेल है, कैंडी आपको पता होगा, तमाम व्यूवर्स ने वीडियोस देखी होंगी पिछली, अगर नहीं देखी तो देख लें कि कोको और कैंडी के क्रॉस कराया था, इसके दो पपीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, आज की वीडियो का मकसद ये है कि डॉग्स, कैनाइन जितने भी होते हैं, गोश्तखोर जानवर जितने भी होते हैं, इन तमाम जानवरों को हर 3 महीने में डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है। डिवर्मिंग का तरीका यह है कि डिवर्मिंग के लिए जो मेडिसिन, तमाम लोग पूछते हैं कि डिवर्मिंग के लिए मेडिसिन कौन सी यूज़ करें। देखें, पहले तो सबसे पहले तो आप इनकी जो अपनी टेबलेट्स आती हैं, कैनिवम, पिराफेरन, इनके अपने फॉर्मूले आते हैं जो इनके वॉर्म्स के लिए होते हैं, जो इनके पेट में मुख्तलिफ़ किस्म के वॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसमें हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, रिंग वॉर्म, ये तमाम वॉर्म्स होते हैं जिनके लिए इनकी अपनी मेडिसिन ही इनके लिए कारगर होती है। उसके अलावा मज़ीद बहुत से लोग जो है डिवर्मिंग में वर्मॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं बड़े डॉग्स पे, मैं नहीं समझता कि वो काम करेगा जो इंसानों वाला सिरप है, पपीज़ को हम फिर भी उससे कर सकते हैं। तो आज मैं इनको डिवर्म कर रहा हूँ, मैं भी टेबलेट्स यूज़ करता हूँ उन पर, लेकिन सिरप भी मैं यूज़ करता हूँ, कभी सिरप यूज़ करता हूँ कभी टेबलेट। इस वक्त मैं जो इनको डिवर्मिंग कर रहा हूँ इस सिरप से कर रहा हूँ, और इस सिरप का नाम है ऑक्सबेंडाजोल सिरप से कर रहा हूँ। ये ज़्यादातर मवेशियों में इस्तेमाल होता है, अपना भेड़, बकरियाँ, घोड़े, भैंसे, गाय वगैरह, उनमें यूज़ होता है। आपको किसी भी वेटनरी मेडिकल से मिल जाएगा, जानवरों के मेडिकल से आपको कहीं से भी ये मिल जाएगा, और ये डोजेज इनके बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। इस पे तमाम डोजेज लिखे हुए होते हैं, मेरे पास स्टिकर नहीं है, आप कहीं से भी लेंगे तो स्टिकर वाला मिलेगा। इसमें 50 ml के भी आते हैं और 500 ml के भी आते हैं, आप जो भी अपने ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा सिरप, ये सस्ता पड़ता है। और बेस्ट तो ये कि आप इनकी टेबलेट से करें, लेकिन अगर आप ये सिरप भी यूज़ करना चाहें तो अच्छा है, मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला है, और ये बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अब इसमें डॉग्स का नहीं लिखा होता, लेकिन इसमें भेड़, बकरियाँ वगैरह जो लिखी होती हैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने डॉग्स को डिवर्म कर सकते हैं। मतलब डॉग की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए डिवर्मिंग लाजमी होती है। आप साल में बड़े डॉग को वैक्सीन कराते हैं, एनुअल वैक्सीन होती रहती है बड़े डॉग्स को, और एनुअल वैक्सीन के साथ साथ 3-3 महीने में अपने डॉग्स को डिवर्म भी करते रहें तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और हेल्थ मेंटेन रहती है। तो आज मैं डिवर्म कर रहा था अपने डॉग्स को, तो सोचा आपसे भी शेयर करूं। मैंने आपसे नेसगार्ड टेबलेट शेयर की, मैंने आपसे वैक्सीनेशन शेयर किया, जब मैं करता हूं, मैं जो भी कुछ करता हूं अपने व्यूवर्स से लाजमी शेयर करता हूं। तो ये तमाम मेरे डॉग्स हैं जितने भी आपने देखे, उन सब पे आज मैं ये अप्लाई कर रहा हूं और इससे मैं डिवर्म करता हूं अपने डॉग्स को। आप भी करना चाहें तो ट्राई ज़रूर करिएगा, रिजल्ट इसका अच्छा है, रिजल्ट अच्छा रहा है तो मैंने ट्राई किया। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं करता किसी भी चीज़ की, ना इसकी मैं ब्रांडिंग कर रहा हूं, लेकिन जो कर रहा हूं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं इनको सिरप दे देता हूं। अच्छा, इस पे तो स्टिकर नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे डोजेज पता है कि कितने देने हैं तमाम डॉग्स को उनके बॉडी वेट के हिसाब से। आप जब भी यूज़ करेंगे तो अपने डॉग का बॉडी वेट करके और इस पे बॉडी वेट पढ़ के उस हिसाब से करेंगे, या आप किसी वेट से करवाएंगे डिवर्म। ओवरडोज भी नुकसानदेह है डॉग के लिए, डोज कम होगा बॉडी वेट के हिसाब से वो काम करेगा नहीं अंदर जाकर, तो परफेक्ट डोज देना है आपने। बस तो ये थी आज की डिवर्मिंग की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।